बताइएगा कि जिस तरह से आप, क्योंकि माहिर साइकोलॉजिस्ट हैं, आप इस चीज को बेहतर समझती होंगी, आजकल बच्चों के अंदर एक गुस्से का एलिमेंट बहुत बनता जा रहा है, ठीक है, बात बर्दाश्त नहीं होती. हम फॉर द टाइम बीइंग, बच्चा छोटा है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, या वो कुछ ऐसी अनहोनी बात कर देता है तो वही प्यार आ जाता है उसके ऊपर, हाउ क्यूट, हम ऐसा समझते हैं. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी रेशो, उसके अंदर ये टेंडेंसी जो है वो मजीद बढ़ती जाती है. ये एलिमेंट आने की रीजन क्या है, और पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है? देखिए, पेरेंट्स को अल्लाह ताला ने बड़ी ही खूबसूरत सिक्स सेंस दी होती है कि उन्हें सबसे पहले पता चल जाता है कि मेरे बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वो बाय बर्थ कैसा था और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें क्या चेंज आता चला जा रहा है. बच्चे एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं उसकी कोई एक रीज़न नहीं होती. मैं पेरेंट्स को बार बार कहती हूँ कि आप इस चीज़ पर गौर करें कि आपके बच्चे की बर्थ कैसी हुई, बर्थ के बाद के जो फर्स्ट 2-3 ईयर्स थे, इवन फर्स्ट 5 ईयर्स, आपने उसकी ग्रूमिंग कैसे की है. उसमें सिर्फ उसकी फूड शामिल नहीं है, उसके साथ, उसके अलावा आपकी डीलिंग है, आपने उसके साथ कैसे डील किया है, आपने दूसरों के सामने उसे इंट्रोड्यूस कैसे करवाया है, आपने दूसरों के सामने उसको इग्नोर कितना किया, उसको इंपॉर्टेंस कितनी दी है. ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि आप अपने बच्चे को कैसे खुद ट्रीट करते हो. ये चीजें मिलती हैं तो बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी बनती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये नहीं कर सकता. फूड पे बहुत तवज्जो दें, प्रोसेस फूड पे हमने पेरेंट्स ने बच्चों को बहुत लगा दिया, ये ना दें. आपको नहीं पता कि इसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं, बच्चों में फ्रस्ट्रेशन, बच्चों में इरिटेशन और इस किस्म के जितने भी एटीट्यूड्स हैं, इवन देन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की भी वन ऑफ द मेन रीजन जो है वो आपकी फूड है. फूड पर फोकस करें. सेकेंड चीज जो मैंने देखी वो ये कि बच्चे मीडिया को यूज करते हैं. आप हम मोबाइल दे देते हैं, ठीक है, अब हमारी मजबूरी है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो हमें देना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा यूज की वजह से उनकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती है. लेट नाइट जाग रहे हैं, मॉर्निंग में वो सो रहे हैं. इफेक्ट क्या हो रहा है, आपकी बॉडी का बायोलॉजिकल रिदम ही खराब हो रहा है. जब आपकी बॉडी का क्लॉक ही ठीक नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मेंटली हेल्दी रहेंगे. नेचर के जितना करीब हम रहेंगे हम उतने ही हेल्दी हैं. ये चीज़ को अंडरस्टैंड जितनी जल्दी कर लेंगे हम उतना ही अच्छा ना सिर्फ माशरा बना सकेंगे बल्कि एक एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप कर सकेंगे. सो नेचर के करीब होना सीखें, टाइम को मैनेज करना सीखें. अभी बात हो रही थी कि पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं. पेरेंट्स एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि मॉर्निंग इवनिंग के टाइमिंग्स को फिक्स कर दें. सुबह आपकी जो भी उठने की टाइमिंग है एटलीस्ट वो 7 डेज एक ही रहनी चाहिए. जब आप 5 डेज फॉलो करते हैं टाइमिंग्स को, चाहे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से चाहे फिजिकल की वजह से, और नेक्स्ट 2 डेज नहीं करते हैं, आप यकीन करें उन 2 डेज के इफेक्ट्स नेक्स्ट 3-4 डेज तक बच्चे के ऊपर रहते हैं. फिर ऐसा बच्चा जिसकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, जिसका फूड प्रॉपर नहीं है, आप क्या समझते हैं उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी? और अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो आप मुझे बताओ कि क्या कोविड में इस तरह की बीमारियां जो हैं वो नहीं होंगी उसे? सिस्टम सारा कोलैप्स कर जाएगा.